हमारे आचार्यों ने जो इन ग्रंथों की रचना की है बिना वजह की, क्योंकि टाइम पास नहीं हो रहा था इसलिए लिख दिया, ऐसा होगा क्या? ये मूलभूत सभी बातें, नित्रांतता प्रयोजन तो सभी चारों अनुयोगों से सिद्ध हो जाता है, और हम जितना विस्तार से सभी अनुयोगों को जानेंगे उतना हमारे लिए वो कार्यकारी। तो टोटोलॉजी साहब ने क्या किया, वो सारे संदृष्टियों का अलग से अधिकार बनाया, और उसके लिए उसको फॉर एग्जाम्पल करके छोटी छोटी फिगर लेके वही गणित बॉल को बिल्कुल सरल करके समझाया। जो मूल में जो संदृष्टि आती है वो अर्थ संदृष्टि कहलाती है। आपके पुस्तक के ऊपर नाम लिखा है जो एवं अर्थ संदृष्टि लिखा है ना, अब ये दूसरा ही भाग है ना, जरा फॉर एग्जाम्पल जरा पीछे के पढ़ने निकालो। अच्छा 971 निकालो, उन्होंने बता दिया तो 971 निकालो। अरे वो तो सुबह आसान है, जरा आगे पीछे के निकालो, 945 निकालो। ये कुछ समझ में आता है पढ़ने से? देखो कोई भी निकालो इसमें से संतुष्ट बनता, तो ये क्या लिखा है उसी को पहले समझ में नहीं आता, फिर कहीं ऐसी उल्टी किया, कहीं पार्टी है, कभी उल्टा गया, क्या उसका अर्थ समझ में नहीं आता। ये अगर समझ में आ गए तो बड़े बड़े गणित बिल्कुल आसानी से हो जाते, बड़े बड़े विषय बहुत छोटे से में वो संतुष्टि में समझ में आ जाते, ये उसकी विशेषता है। मूल ग्रंथों में संतुष्टि तो लिखी थी, टोटोलॉजी साहब की ये विशेषता है कि उन एक एक संदृष्टियों का अर्थ बताया है कि ऐसा लिखेंगे तो क्या है वो असंख्यात है, तो ऐसा लिखेंगे तो है वो संख्यात है, तो इसके माइनस के लिए क्या करना, वन प्लस के लिए क्या करना, वन माइनस के लिए क्या करना, किसी संख्याओं का गुणकार करना है तो उसके लिए सूत्र बनाए, ये सारी इतनी सरल करके समझाइए, वो भले दिखने में बहुत कठिन है परंतु अगर उसको सही समझ सकते हैं आप, समझ लोगे तो ये बहुत, ये पूरा का पूरा विषय पूरा संदृष्टियों में दोबारा समझाया गया। ये भले दिखने में ऐसा कठिन लगता है पर एक बार उसका अर्थ समझ में आवे, जैसे कन्नड़ लिपि या तमिल भाषा की कोई पुस्तक है तो क्या समझेंगे, अरे ऐसा टेढ़ा मेढ़ा कुछ तो दिखाई देगा, हमको उसमें कुछ समझ नहीं आता, उन लोगों को उसमें सारा अर्थ भाषित होगा, हम भी उनकी भाषा समझेंगे तो आ जाएगा। जैसे हमारे यहाँ ये जैन तत्व परिचय ना और कर्णानियोग परिचय, हमारे चेन्नई के एक है क्या नाम उनका, भू बालन जी जैन, तो उनका हमारा परिचय इतना ही है कि उन्होंने हमारी साइट देखी थी, उसमें कुछ उनको रुचि हुई, उन्होंने फोन किया तो मैंने बोला ऐसे ऐसा फेसबुक पर हमारे दिन में 3.5 घंटे चलते हैं, वो दिन में 3.5 घंटे फेसबुक पर हमको सुनते हैं, 2.5 साल से 3 साल से वो सुन रहे हैं, और फिर उन्होंने जैन तत्व परिचय कर्णानियोग परिचय कारण कार्यरस वगैरह सब पढ़ी, उसका अभ्यास किया, उनकी ऐसी भावना हुई कि इसका मैं तमिल में अनुवाद कर लूं, उन्होंने स्वयं उसका तमिल अनुवाद किया, वो स्वयं अपने खर्चे से उसको छापा और वो पुस्तक हमारे यहाँ भेज दी, इसका विमोचन करो, हम देखते तो क्या समझ में कुछ नहीं आता क्या लिखा तो ये कैसा हुआ, ये संदृष्टि कैसा होता है, जो समझता है उसके लिए वो कार्यकारी। उन्होंने बता दो कि जैन तत्व परिचय और कारण कार्य रहस्य तो हो चुकी पुस्तकें, अभी कर्णानियोग परिचय भी हो चुकी है उनकी ट्रांसलेट, अभी हमारे कुछ 2 शब्द लिखकर भेजो करके उन्होंने मंगवाए थे वो भी भेजे, अभी थोड़े दिन में वो भी प्रकाशित होने वाले, अभी उनके तो वहां पे बहुत उसका स्वागत हुआ है, कह रहे हो चलता है फिर। ये जिनेन्द्र भगवान की वाणी है, जो हमें तो तत्व ज्ञान स्वामी जी से मिला, द्रव्य क्या है, गुण क्या है, पर्याय क्या है, इसको समझे बिना स्वामी जी क्या कहते हैं वो कुछ नहीं समझ में आ रहा, ये 7 तत्व क्या है, उसके भेद क्या है, उसका स्वरूप क्या है, समझे बिना स्वामी जी की जो गहरी रहस्यपूर्ण बात है, जो अमूल्य है हमारे लिए, वो समझता ही नहीं हम कुछ। जब पहली बार हमने स्वामी जी को सुना तो इतना ही सुना क्या, आहा हा समझा, पद्धति तो मेरी ऐसी थी कि जो वैसे तो सिंसियरिटी थी और कॉलेज में पढ़ते थे तो वो तो आदत थी फास्ट लिखने की, जो गुजराती बोले वो हिंदी लिपि में तो लिख लेती, एक एक शब्द लिखी थी, और उसका जो भाव अभी ख्याल में आता है, अभी तो उनका ऐसा एक भी ग्रंथ नहीं कि हमने 5-5, 10-10 बार आद्योपांत नहीं सीखा होगा और सिखाया होगा, हमारे यहाँ तो उन्हीं के प्रवचन और किसी के ऊपर चलता है रोज डेली,
तो अभी जो ख्याल में आता है उस समय तो कोई नहीं समझता था, तो उसके लिए द्रव्य क्या है, गुण क्या है, पर्याय क्या है, उनके सारे शिष्यों के द्वारा जो हमने ये सब समझा, तो स्वामी जी क्या कहते थे हमारे ख्याल में, वही बात तो इन पुस्तकों में बताई है ना। या हमारे ऑस्ट्रेलिया के जय तत्व परिचय पढ़ कर ही आपने कॉन्टेक्ट किया ना, वो घंटों घंटों हमसे तत्व चर्चा करते, ऐसी बात है, उसमें अपनी कोई बात नहीं है। स्वामी जी के द्वारा जिसका निरूपण हुआ है वो बात समझने लायक है, उसमें कितनी गहराई कितना रहस्य भरा है वो समझना है तो उसके पारिभाषिक शब्दों को समझना चाहिए। हर एक को साइंस है, हर एक कोई भी विषय है उसके अपनी अपनी टर्मिनोलॉजी होती है। जब हमने पहली बार हमारे यहाँ तो रोज का स्वाध्याय चलता था, मैं इसलिए जरा लाइट ले रही हूँ क्योंकि दिन भर बहुत सैचुरेट हुआ है ना। जैसे हमने जीव कांड पढ़ाया, कर्म कांड पढ़ाया, लब्धि सार सपना सार पढ़ाया, उसके अर्थ संदृष्टियां भी पढ़ाई, वो तो व्हाइट बोर्ड लेकर उसके भी रोज पूरा जैसे स्कूल में पढ़ाते वैसे एक एक संदृष्टि का अर्थ भी समझाया, इन्होंने हमारे घर में छोटी जगह में उसके वीडियोइंग भी किए, ये सारी चीजें चलती रही। फिर हमारा विकल्प अभी करणानियों के ग्रंथ ढूंढते ढूंढते ये विकल्प है कि अभी धौड़ा पड़ेंगे, नाम खाली सुना था, क्या है क्या पता नहीं था, हमें कोई सिखाने वाले तो मिले नहीं थे, हमें अपने ओर से जबरदस्ती करके सीखते गए। अर्थ संदृष्टि आपने अपने से पूरी नहीं करी? हमारे हमने ही उसके पूरी अभ्यास किया, ये चिन्ह वगैरह सब चिन्ह, क्योंकि टोडोलॉजी साहब के उपकार है, उन्होंने एक एक चिन्ह को समझाया और मूल में हमें जो अर्थ संदृष्टि प्राप्त हुई थी, विमला वैद्य ने बहुत उसमें मेहनत की थी, उन्होंने सारे उसके जीरोक्स के पुस्तक हमने उन्हीं से मंगवा के बनाई थी, और वो मूल पुस्तक में भी बहुत सारी त्रुटियां थी, बहुत सारे जिसको कहेंगे गलतियां थी जो लिखने वगैरह में, उसको भी सुधार कर हमने इसमें जोड़ दिए ये सारे, और ये बनाने में भी बहुत मेहनत हुई क्योंकि वो उस जमाने में जो 2006 में पहले छपी थी वो ग्राफिक्स में से ये किया क्या क्या किया, बहुत मुसीबतें इतनी आती है इस छपाने में इतनी आई है, फिर भी ऐसा लगा कि ये बातें कुछ हमारे जो समझ में आए तो आप लोग समझ जाए। तो जब 2003 में हमने नक्की किया हमें धौला ग्रंथ पढ़ेंगे, और धोला देते हमारे पढ़ने वाले वहाँ तो कितने बहुत सारे लोग थे, 15-20 जन तो 20-22 जन थे, तो सबके लिए हमने सारे 16 के 16 वॉल्यूम मंगवाए सोलापुर से, सोलापुर में छपे, हमारा ऐसा भाग्य तब सबके लिए सभी पुस्तकें आ गई, तो उसका अभ्यास शुरू किया। तो तब हमारे यहाँ एक बहन आती है डॉक्टर विसारिया, उन्होंने बोले आपके घर की इतनी सी छोटी सी जगह हमको चाहिए, एक पाटला जगह क्या करेंगे, कंप्यूटर ला के रखेंगे। तो हमने कहा हमको कुछ नहीं आता, अरे हमको वो कैसे ओपन करना है कैसे चलाना है कुछ नहीं आता, आप चिंता मत करो मैं मेरे बेटे को भेज दूंगी, ये टर्मिनोलॉजी की बात करें। तो उन्होंने लाया वो रख दिया वहां पर, कहते ये विंडो है ना, तो हम देखने लगे कौन सी विंडो तो ये माउस ऐसा पकड़ना, उन्होंने माउस अरे हमारे घर में तो इतनी तो हजारों पुस्तकें पड़ी है, ये माउस भी यहाँ नहीं चलेगा, मैं अपने घर के बाहर कर। तो कहा उन्होंने मैं एक सीढ़ी बंद करके दिखाता हूँ, इन्होंने बोला जलाने मिलाने का क्या है, घर के बाहर करो, घर में कुछ नहीं करना। तो हमने सही जाना कि नहीं जाना, ऐसे ही जो शास्त्र में शब्द आते हैं कि व्यवहार करो व्यवहार करो, अरे चाय पानी पूछना भी व्यवहार के लाए, वो व्यवहार थोड़ी है। तो शास्त्र की जो टर्मिनोलॉजी है वो शास्त्र की भाषा है, शास्त्र के तत्व है, शास्त्र के द्रव्य गुण पर्याय के, वो शास्त्र के उसका सही अर्थ हम जब तक नहीं समझते तो लौकिक भाषा में जो हम आपते वैसे बता देते कुछ अपने मन कल्पना से नहीं चले। हेमचंद भाई हम पहली बार विदेश गए थे तो एक जगह हम गए थे, वहां तो शास्त्र का स्वाध्याय कैसे करते हैं, कोई पुस्तक लेते हैं चार लाइन पढ़ी जाती है, फिर 5-6 जन 8 जन बैठे 10 जन, तो एक कहते हैं मेरी कल्पना से इसका यह अर्थ होना चाहिए, फिर दूसरा कहता है मेरी कल्पना से इसका अर्थ, अरे ये स्वाध्याय नहीं है, हमारी कल्पना में क्या है वो तो हम अनादि से मिथ्या कल्पना करते हैं, भगवान की दृष्टि से भगवान के ज्ञानियों की दृष्टि से उसका क्या अर्थ होता है उसको समझना हमारा कर्तव्य, उसको स्वाध्याय क्या करें। आपने मुसीबतों को चैलेंज करते गए इसलिए यहाँ तक, हमें तो तीव्र जिज्ञासा थी जानने की, और टोडोलॉजी साहब के तो उपकार हम इतना हो तो हमारे परोक्ष गुरु साक्षात गुरु तो हमें करना नहीं होते कोई नहीं मिले, तो टोडोलॉजी के द्वारा ही हमने जीव कांड पढ़ा, कर्म कांड पढ़ा, लब्धि सार, सपना सार, त्रिलोक सार सभी अपने यहाँ हो गए।
फिर धवला भी पढ़ते, धवला पढ़ते समय भी जहां जहां कोई रुकावट आ गई तो ये जीव कांड और कर्म कांड ओपन करके, लघुसार ओपन करके हमको पढ़ना पड़ा। आपने सुना होगा ना हमारे पास, अभी तो फेसबुक के ऊपर भी सारे है, धवला की 16 पुस्तकें है, 500-500 पेजेस के एक एक, इतना वो कठिन विषय कहेंगे एक दिन में खाली आधा पेज होता है और रोज का 1.5 घंटा हमारा चाहिए। 11 साल में धवला के 16 पुस्तकें हुए, जय धवला की 16 पुस्तकें हुए, महाबन की 7 पुस्तकें, महाधवला जिसको कहेंगे। धवला क्या है तो मूल ओरिजिनल जो भूतबली और पुष्पदंत आचार्य की जो रचना है उसकी टीका विरसेन स्वामी ने की। जय धवला भी क्या है वो भी टीका है कि कशा पावर वगैरह जो है उसकी वो टीका है, गुणधर आचार्य वगैरह लिखे, यदि विषय आचार्य ने जो लिखा है उसकी वो टीका है, परंतु महाबंध क्या है ओरिजिनल भूतबली आचार्य की रचना है, उसकी टीका नहीं है। और भी बात, ये कोई बड़प्पन नहीं है, पर मैं अभी आपको एक प्रेरणा देना चाहती हूँ कि महाबंध में बहुत जगह बहुत बड़ा त्रुटि दंश है। त्रुटि दंश समझते हैं, ओरिजिनल जो उसके जो पेजेस थे, जो तार पत्र पर जो उसके महाबंध, जो पहले तो वो तो अवेलेबल नहीं था, दर्शन मात्र अवेलेबल था दूर से, धवला भी और जय धवला भी और महाधवला भी, तो शांति सागर महाराज की प्रयत्न से और वो दूसरे समय चंद दिवाकर उनके प्रयत्न से वो बात बाहर आ गई और उसकी फिर संपादन भी हुआ, उसकी पुस्तकें भी छपी। उन पुस्तकें छपी तो मूल में ही जो भाग नष्ट हुआ था बिल्कुल, वो गायब भी हुआ था, कोई टूट फूट गए थे, तो वो तो ऐसे ही रह गया, उस वहां खाली लिखे थे त्रुटि दंश, बहुत सारा त्रुटि दंश है उसके अंदर। तो हम पढ़ते गए बीच बीच में त्रुटि दंश को भी ऐसे पढ़ते छठी पुस्तक तक पहुंचे, फिर मुझे विकल्प आया कि ये जिस पद्धति से करणानियों की एक विशिष्ट पद्धति से उसकी कथनी होती है, तो वहां तक पहुंचने के बाद इतना कॉन्फिडेंस आया कि जो जो त्रुटि दंश अभी तक चला गया है वो हम डिराइव कर सकते हैं। हमारे यहाँ हमारी यहाँ लक्ष्मी बहन यहाँ आती है, दूसरे भी बहुत अश्विन भाई है, प्रेरणा बहन है, ये है और भी 7-8 जन बैठते हैं, तो अरविंद दोषी वो तो पहले से, वो 92 से डेली आते आज तक, डेली स्वाध्याय में आना, ये भी सारे लोग 15-15-20-20 साल से डेली आने वाले लोग हैं, ये भी तीनों टाइम 3.5 घंटे हमारे घर में रहती है। तो ये सब हमने वहाँ उसको डिराइव किया, उससे 200 पेजेस फुल स्केप से टाइप हैंड रिटन नहीं, इतना मैटर तैयार हो गया। अभी हम दोबारा हमारे धवला सारे हो गए, दोबारा अध्योपान स्वाध्याय सामू और महाधवला का भी 500 पुस्तक में, अभी त्रुटि दंश को भी फिर दोबारा उसको और भी निगरानी करके, क्योंकि हमने चाहा कि हिंदुस्तान में किसी विद्वान को बताए, ये मुनियों के सारे उसमें भी हमने पूछे किसने उनके कि इसका कोई देखे तो अभिप्राय उनका दे दे, कोई जांच के दे दे, पर कोई नहीं मिला। आपने एक जगह जैन तत्व विद्या का उल्लेख किया है। हाँ? जैन तत्व विद्या। हाँ? उसका उल्लेख किया है किसी पुस्तक? किसमें? अभी ख्याल नहीं, आपके जो निकली है ना ये वो तो भूगोल में कुछ लिखा। हाँ, वो बात अलग है पर इसको जांचने वाले हमको कोई नहीं मिले। उल्टा तो मैं तो कह सकती हूँ बहुत सारे मुनियों के भी हमारे साथ फोन पर, जैसे आपके फोन आते रहते हैं ना, तो वो भी धवला के वगैरह चर्चा करते हैं, हमें प्रश्न पूछते हैं बहुत। यहाँ भी आने वाले थे वहाँ के जबलपुर के भाई, वो उनका आए मौके पर कैंसिल हो गया, यानी वो भी करणानियोग पढ़ते, उनके लिए भी जो कोई प्रश्न होते हैं तो उनके कोई प्रश्न के उत्तर नहीं मिलते तो हमारे यहाँ फोन चलते रहते हैं। ये हम पढ़ते जाएंगे तो वो ख्याल में क्यों नहीं आएगा, हमें उसकी रुचि और जिज्ञासा होगी तो जरूर आएगा। ये कोई किसी व्यक्ति की बड़प्पन नहीं है इसके अंदर, इसलिए हमें जब हम पढ़े ना, जब हमने लब्धिसार पढ़ा था तो रोज पढ़ते थे ये कि इनकी साथ पहले से मुझे हूँ। जीवकांड पढ़ा शुरुआत में तो अनवस्था कुंड और वो शलाकार महाशलाकार पे आते तो ऐसे कि सब छोड़ दो अपना द्रव्यो अच्छा, तो हमने हट किया और हम पढ़ते थे और इन्होंने हमें बिल्कुल साथ दी, तो सारा जीवकांड पढ़ा, फिर कर्मकांड, हमारे यहाँ आने वाले स्वाध्याय ने हट की तो उनको भी पढ़ाया, पहले तो भंडारी भाषा में पढ़ाया, फिर इसके अनुवाद हुए सभी ग्रंथों के अपने यहाँ, ये छपाई का काम तो इनके जिम्मेदारी थे, वो भी पूरा हो गया, उसके बाद ये धवला वगैरह सारे, यानी इतना सारा पढ़ते गए, तो जब लब्धिसार क्षपणासार हम पढ़ते थे तो रोज पढ़ते थे और रोज रोना आता था।
कि हम कहां माध्यम मुझे पत्थर पर माथा लगा रहे, कुछ एक ही शब्द का अर्थ नहीं समझ रहा है, क्या पढ़ रहे हैं क्या नहीं, बस अक्षर की पहचान है इसलिए पढ़ते जा रहे हैं और उसमें कुछ अर्थ भाषण मालूम नहीं हो रहा है। तो वो पढ़ लिया हमने, भंडारी में भी पढ़ लिया, दोबारा भी पढ़ लिया, जब पंचरत्न लिखी मैंने तब उसका अर्थ बहुत क्लियरली ख्याल में आ गया कि एक एक शब्द का अर्थ खुलता गया। यानी जब प्रवचन वगैरह के दूसरे के लिए नहीं होते, ये हमारे अपने अपने लिए होते, उसमें अपनी उपयोग की सूक्ष्मता तो होती होती है और उसमें भी अपना ही उसमें और गहराई से विचार होता है। आप प्रश्न पूछते तो उसमें क्या है, हम उसमें ज्यादा विचार करते हैं और ज्यादा विचार करते तो उसका उत्तर भी वैसे सही हो जाता है। तो हमें आपको किसी नए विषय से कोई अपने पर ऐसे रुकावट नहीं डालना है कि हमको समझ में नहीं आता, पढ़ते चले जाना, सुनते चले जाना। उसे भी आज तो इतने साधन उपलब्ध है, जिसको पढ़ना है उसके लिए बहुत साधन है, और पुस्तकें आपके हाथ में हैं, और जीरोक्स के हैं, जो कोई चाहिए जो जीरोक्स बना सकते हैं, ऐसे चार्ट, ये जो चार्ट्स बने हैं ना, इसके लिए भी वो आए नहीं हमारे यहाँ विनोद भाई सावला आते, उन्होंने इसके लिए मेहनत करके वो कितने दिन तक वो चार्ट बनाए, तो हमने तो खाली यानी रफ पेपर पर उसको बनाए, फिर उन्होंने बनाए, तो बनाते समय हम चेक करते गए तो और उसके कुछ आइडिया आ गए, तो उसमें और ये चार्टों में कितनी कितनी सुधार करते गए, तो उसकी मेहनत कितनी, 15-15 ये नवंबर से ये सब कार्य चल रहा था, नवंबर महीने से। ये हमारे बच्चे कहते कि आप पागल हो गए, अभी इस उम्र में इधर जाते उधर जाते, मत जाओ मत जाओ, क्यों अभी समझ में आता ना क्यों आते हैं, क्या करें। तो मुझे इतना ही कहना है कि हम पढ़ते चले जाएंगे तो हमें ये सभी बातें समझ में आएगी, जरूर आएगी, और इसके लिए तो सरल करके बहुत सारे समझाएं, अपनी साइट पर भी, उसमें भी सारे लेक्चर्स है, पेन ड्राइव्स भी उसमें भी है, जो चाहता है उसको सभी साधन उपलब्ध है, सस्ते में, अच्छा सस्ते में। मुझे आनंद आता है कि इतनी बड़ी संख्या में कर्णन योग जैसा गहन विषय पढ़ने की रुचि लेकर आप कहां कहां से आए हैं, है ना, बहुत प्रमोद होता है, और ऐसा लगता है कि हमें जितनी कठिनाई आई थी इस सीखने में उतनी सरलता से आप इसको समझें तो अच्छा रहेगा, कि आप भी बड़े बड़े ग्रंथों का अध्ययन स्वयं करें। अरे इसमें इतना माल भरा है कि ये तो पढ़ते समय अंदर से ऐसा गदगद हो जाता है, और ये पूरा मोक्ष मार्ग क्या, पूरा विश्व का स्वरूप बिल्कुल क्लियर अपने सामने आ जाता है। ये बंद गया लिखे, ये आपको एक विषय सुनते हो इससे आपको कंफ्यूजन लग रहा है, जब हम शुरू से मेथोडिकली उसको पढ़ेंगे तो बिल्कुल सारी बातें क्लियर हो जाती है। शिविर लिए ना दो क्या ज्यादा शिविर हुए, एक तो ओरिजिनल लब्धि सार क्षपणा सार दो बार सिखाए, 60 लेक्चर तो उसके हुए, उसके बाद एक एक विषय को लेकर समय दर्शन के 3 प्रकार वो सिखाए थे एक शिविर में, एक शिविर में अकेले उपशम श्रेणी चढ़ाई सिखाई थी, एक शिविर में केवल क्षपक श्रेणी सिखाई थी, है ना, आपको याद होगा बहुत सारे विषय अलग अलग भी लिए और पूरे ग्रंथों पर भी लिए, जीव कांड के ऊपर भी कितने भी शिविर हुए। देवलाली का हमें ऐसा सहयोग मिला है कि यहाँ हमारे ऐसे करीबन 30 तो हो गए ऐसे शिविर, इनके भी एक वक्ता एक विषय, 6-6 घंटे 5-5 दिन में चले। आपके हाथ में कुछ विषय आता है, लोग हमको बुलाते एक दो प्रवचन करो, एक आध विषय हमको बुला दो, हम कहीं नहीं जाते, हमको सिखाने तो मिनिमम 7-8 दिन तो चाहिए, और उसमें तो दिन में 6 घंटे की कंडीशन, ये 6 घंटे की कंडीशन हमारे यहाँ आए थे भाई, 6 घंटे की कंडीशन वहां पर भी थी ना पिट्सबर्ग की, और आपके शिकागो में भी थी, हर जगह हम उन्हीं सेंटर्स को एक्सेप्ट करते थे जो 6 घंटे को सुनने को तैयार थे। जब पहली बार वो आए थे ना रजनी भाई बोसलिया 92 में आए थे बुलाने को, तो उन्होंने बोला था कि आप आना वहां पर, अभी आप निवृत्त हो रहे, हमको भाई साहब ने बताया कि इनको ले जाओ ये निवृत्त हो गए, तो इन्होंने कहा हमारी कंडीशन है जो 6 घंटे को सुनने को तैयार है तो हमको बुलाओ, तो कहने आप डे ड्रीम कर रहे हैं, अरे वहाँ 1 घंटा सुनने को कोई मुश्किल से आता है और आप 6-6 घंटे की कंडीशन डालते, तो हमने हमको कहाँ आना है, हमको कोई रुचि नहीं थी अमेरिका जाने की। फिर 2004 साल में हमारे इनके बहन ने बुलाया, नहीं मेरे लिए आओ करके स्वादाय करना ऐसा वैसा करे, उन्होंने बोला चलो हाँ आते, वहाँ गए तो हमको जाना वालों ने पकड़ लिया, अब आए नहीं वो तो चलो इधर जाओ उधर जाओ उधर जाओ, तो हमने वो 6 घंटे की कंडीशन बता दी।
तो उसी वॉशिंगटन में जहां से वो वसीलिया साहब आए थे, वहां तो डेली 8.5 घंटे का प्रोग्राम होता था, वहां तो हाउस भी था तो जिन पूजन भी होती थी, वो फिर उसके 6-6 घंटे हमारे प्रवचन भी होते थे, तत्व तो चर्चा भी अलग से होती थी, और वहां रहते थे, सभी का खाना पीना वही हो जाता था। यानी उन लोगों ने भी बहुत मेहनत से, क्योंकि वहां कोई आसानी बात नहीं, यहाँ नौकर चाकर मिलते हैं, वहां ऐसी कोई बात नहीं होती, वहां उन्होंने हर जगह हर सेंटर में, कितनी सेंटर में, वो राले में जाते थे हम, शिकागो में जाते थे, डेलस में जाते थे, फिनिक्स में, कितने ही जो सेंटर है, 6 घंटे सैन डिएगो और ये मायामी अपने महेंद्र भाई के बाद, तो सब जगह तो हम जाते, तो कंडीशन क्या है, 6 घंटे। और वहां के लोग भी ऐसे अच्छे कि पहले साल में क्या पढ़ाया था वो सारे वो पेपर पर था ना, वो लिखित रूप से हम बोर्ड पर लिखते हैं, वहां ऐसे तो कागज के इस पर लिखते थे, वो सारी तैयारी करके रखते थे, और फिर तो उनके सूक्ष्म पॉइंट्स और बता सकते थे। यानी हमें इसके लिए स्वयं मेहनत करनी है, ये मैं कही, और जरूर आप समझेंगे, क्यों नहीं समझेंगे, सभी द्रव्यानियोग उतना ही है, उतना ही करना है, वो तो महत्व का है ही है, और उन सिद्धांतों को लेकर जब हम कर्म की बात पढ़ेंगे तो इसमें और कार्यकारी हो जाए। और ये तो इतना इंटरेस्टिंग विषय है कि 1 घंटा क्लास होता है तो ऐसे अरे समय हो गया शाम, कभी कभी क्या होता है जब हम 6 घंटे की कंडीशन डालते हैं ना, अभी आए थे ना हमारी कोबा की बहन आई है, कौन है आई कभी मुझे पूछी थी ना, हाँ बेनवा हुई थी, कोबा वाले भी बहुत पहले से हमको बुलाना चाहते थे, हमारी 6 घंटे की कंडीशन उनको सुनाती नहीं, फिर भी वो तो वहाँ के भाई बहुत सारे 3-4 जन आए थे घर में, फिर उन्होंने मिट्टी की वहाँ कोबा में आना, आपको 6-6 घंटे पढ़ाना है, फिर हम गए वहाँ, क्योंकि वहाँ क्या भक्ति भी होती थी, 1-2 घंटा होता था तो बस इतना ही, और बाकी सब उनकी जो कुछ चलती थी वहाँ की बातें, वहाँ की गतिविधियाँ चलती थी, तो 6-6 घंटे वो भी बेसिक लिया हमने, करना नियुक्त परिचय, और इन्होंने वो इनकी स्पेशलिटी ना सिद्धांत रघुजैन सिद्धांत, तो 6-6 घंटे इतने लोग वहां प्रभावित हुए थे, वहां तो श्वेतांबर कितनी उनकी तो महासतिया भी 4-3-4 थी, उन वो भी उन्होंने हमारी साड़ी फेरे सीढ़ी वगैरह डीवीडीज खरीदी कि उन्होंने ऐसा हमने स्वरूप कभी सुना ही नहीं था, स्वयं आत्मानंद जी आके बैठे थे, आप थे ना कभी उनकी मिसेज वो लक्ष्मी बहन ना, उनका नाम क्या, समीक्षा बहन, हाँ हाँ वो भी बैठते थे ना 6 घंटे। हाँ तो मैं कहना क्या है कि ये 6 घंटे की कंडीशन पहले बहुत ऐसा जुर्म लगता है, पर जब बैठते हैं तो ऐसा लगता है कि अरे 8 दिन हो गए, उन्होंने तो ऐसा कहा हम वहाँ 8 दिन के लिए गए थे, और उसके बाद हमारे यहाँ निशा बैठ के यहाँ जाना था नवरंगपुरा में, तो वो हमको कहने नहीं नहीं आप यही रुकोगे तो उधर का कैंसिल करो, उन्होंने बोला वहाँ पर उन्होंने वहाँ पर भी वही विषय लिया था, हमने भी इस पर रुकना, इन्होंने वो सिद्धांत रोशी का कितने लोग थे याद है ना, तूफान बरसात में भी 600 लोग आते थे डेली नवरंगपुरा, ये हमारी निशा बैठ के कर रहे थे। देखो आप कहेंगे खाली स्टोरिया चल रही है, अभी ये स्टोरिया की बात नहीं है, यहाँ तो हमें बेसिक से पढ़ना है, जब ABCD से पढ़ोगे तो आगे के सिद्धांतों का रहस्य समझ में आ जाए। तो ये सिद्धांत प्रवेशिका कहो या जो ये जो कोई विषय चालू है, हाँ रासाला में भी गया था ना, अभी रासाला से आए ना लोग, रासाला में नया मंदिर हुआ है और वहाँ हमारा अभी जनवरी में, क्योंकि अभी तक हमने क्या किया था, शिविर बंद किए थे, घोषणा हुई थी, और वो तबीयत का कारण नहीं था, हम एक एक प्रवृत्ति से निवृत्त होना चाहते थे, जैसे हमने व्यवसाय से निवृत्ति ली 92 से, शादियों में जाना बंद कर लिया 97 से, वैसे एक एक से निवृत्ति ली थी, पुस्तकें भी छाप कर बटा दी, अभी दिल्ली में रख दी है, जिसको चाहिए उसको मंगवा सकते हैं, उससे भी निवृत्ति ली, एक एक से हम समेटना चाहते हैं, इसलिए हमने शिविर बंद किए थे, पर क्या करें हमारे कहाँ गए वो भाई, हाँ नितिन भाई, हाँ जबरदस्ती काम जो है लेकर आ गए, उपयोग जरूर सूक्ष्म होता है, इसमें कोई चिंता की बात नहीं है, पर ऐसा लगा कि एक एक से छुटकर अपने घर में बैठ जाते हैं, होना चाहिए दूसरा ऑप्शन नहीं है ना, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, पढ़ाने के लिए दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है।
आपने घोषणा कर दी क्या? मुझे आनंद होता है कि आपकी रुचि है और इस विषय को जानने की भी रुचि है, और आप सबको अभ्यास भी करना चाहिए, खाली सुनने से नहीं चलेगा। इसमें आपको ये तो एक जस्ट एक सैंपल आपको बता रही, इसको आप ये हमने बीच में ही उठाया ना आश्रव का अधिकार, पहले अधिकार अनेक बार यहाँ शिविर हो चुके थे, इसलिए कोई एक एक अधिकार हम अधिक सूक्ष्मता से यहाँ पढ़ना चाहते हैं। परंतु आपकी क्या बात होनी चाहिए, शुरू से इसको पढ़िए, शुरू से। अभी इसके सारे लेक्चर्स है, सीरीज डीवीडीज ये सब 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 अवेलेबल है साइट पर, ये सब क्यों अपनी साइट होगी ना अभी कुछ दिनों में, ठीक। हाँ, ये हमारी साइट चला रही है, बहुत बड़े इंजीनियर है, हाँ ईशावेद है अहमदाबाद की, अमेरिका का बहुत बड़ा कारोबार छोड़ के आया है स्वाध्याय के लिए, ऐसे ऐसे लोग हैं इस काल में। और जब आए थे ना तो हमारे यहाँ फोन आया था, मैसेज आया था कि हमें आपकी सीरीज डीवीडीज चाहिए, कितने साल की बात है, 10 साल पहले की बात होगी। हाँ, तो ऐसा कौन पागल आया, नहीं नहीं हम निवृत्त लेकर हमने तो कोई कोई बूढ़े अभी अभी सुनना चाहते हैं, सभी भेज दो। उस जमाने में उसकी कीमत कुछ 70-80 हज़ार रुपए की हो गई, उन्होंने दो दो सेट मंगवाए थे, उन्होंने एक एक ले लो भैया बहुत कीमत है, तो दो बड़े बड़े ऐसे गुड़िया भर भर के उनको कुरियर कर दिया था। और इतनी बात है कि सभी उन्होंने सुनी, ऐसे ही नहीं कि घर में लेके रख के सुबह के लिए, ऐसे ऐसे जीव है, और हमें आनंद आता है कि ऐसे पात्र जीव भी है। अरे यहीं पर नहीं, विदेश में भी हमें ऐसे कितने ही जीव मिले। हमें क्या करना है इस ऐसे पंचम काल में, ऐसे जो जिसको कहेंगे ना काल कैसा है, निकृष्ट काल में ये उत्कृष्ट बात हम तक आई है। अब इसमें तो गुरुदेव तो महान निमित्त है हमारे लिए, परंतु वो बात हम ग्रहण करें, पचाएंगे, उसको समझे, अपना कल्याण करें तो ही। ये दुनिया के लिए कुछ नहीं करना है, ये जो कुछ करना है हम अपने लिए स्वयं के लिए करना है। ये इन्होंने सिखाया ये चुपीले, ये तो कहने की बात है, वो तो निमित्त का कथन है, उसमें कुछ मायने नहीं रखता। हरेक को इसमें से प्रेरणा क्या लेनी है, भले विषय अभी कठिन लगे, हाँ ये कठिन लगना है क्योंकि वो थोड़ा एडवांस विषय हमने दिया, परंतु इसके बेसिक से हम शुरू करेंगे तो सब बातें सभी जीवों को बिल्कुल समझ में आएगी। क्योंकि हमारे पास तो अगर रुचि है तो बहुत समय निकल सकता है ना, रुचि है तो निकल सकता है कि नहीं। अपनी कोई फेवरेट की चीज हो, कोई सीरियल हो, तो कितना लेट जाके पहुंचते हैं वहां पर, आधे घंटे पहले। अच्छा, वो रामायण सीरीज चलती थी आपको याद है ना, वो सब काम काज निपट कर बराबर वहां जाके बैठे। ऐसे ही हमें इसमें रुचि है तो समय हम स्वयं निकाल सकते हैं। कहाँ से निकालना, क्या है उसकी ट्रिक, हरे को मारो, क्योंकि हमें जो अच्छा लगता है उसके लिए समय भी हम जरूर निकाल पाते। अभी कुछ पढ़ना भी है ना, तो हम कहाँ तक आए थे, 9वें गुण। किसने? ऐसी भी बात है ना, मैंने भी जो ये लिखा है ना अनुवाद किया है, तो ऐसा है विगुणाकार, तो उनको पता स्पष्ट भाषित नहीं हुआ था, और उसका अर्थ हमको पता था क्योंकि वो जयधवला धवला वगैरह में हमने बहुत पढ़े थे, तो मैंने अनुवाद में ब्रैकेट में लिख दिया है कि इसका अर्थ यहाँ उन्होंने लिखा, ये बात मुझको स्पष्ट भाषित नहीं हो रही है, परंतु उसका वो विगुणा का अर्थ होता है विक्रिया, यानी जो औदारिक शरीर का संचय ज्यादा से ज्यादा कहाँ होता है, तो भोग भूमि वाले जो विक्रिया नहीं करते हैं वगैरह वगैरह, वो जो केश बाल वगैरह नहीं काटते, नख नहीं काटते, उनकी वो औदारिक शरीर का संचय अधिक से अधिक होता है, वहां उन्होंने लिखा था। ये बात मेरे ठीक तरह से समझ में नहीं आई है, परंतु उसका अर्थ हमने ब्रैकेट में, क्योंकि वो उनकी ओरिजिनल बात नहीं, उनकी ओरिजिनल ट्रांसलेशन लिख के फिर जो मुझे भाषित हुआ था अर्थ या जहाँ कहीं, तो रेफरेंस के साथ उसमें लिख दिया, कहीं उन्होंने लिखा होगा। क्योंकि क्या है, हमें अगर मालूम है, और उनके सामने धवला जयधवला महाधवला कुछ नहीं, और हमारा भाग्य कि हमें वो पढ़ने को मिले, तो वो तो सर इसका अर्थ जो अपने ख्याल में आया है वो वहां लिख दिया है। तो हम 9वें गुणस्थान तक आए थे, याद है क्या?
किसको देख रहे थे? मोहिनी मोहिनी को। पहले गुणस्थान में मिथ्या तो और 25 का शब्द प्रॉब्लम, दूसरे गुणस्थान में मिथ्या तो नहीं है, अनंतानुबंधी सहित बाकी सब 25 का शब्द। तीसरे में अनंतानुबंधी नहीं है, बाकी 12 और 9 21 है। चौथे गुणस्थान में 12 और 21 है। पांचवें गुणस्थान में अप्रत्याख्यानावरण भी नहीं है, तो कितने 8 कषाय और 9 कषाय, कितने हुए 17 है ना। और फिर छठे में सातवें में संज्वलन है, 4 है और 9 कषाय। उसके बाद छठे में भी ऐसा है, सातवें में भी ऐसा है, आठवें में भी। आठवें में आठवें के अंत में हास्य रति रति शोभ भय दुःखा का उदय मिट जाता है, तो अभी वो कारण नहीं रहा है ना। तो आठवें में कितने थे? संज्वलन 4 और 9 कषाय। अब वो नौवें में आया तो ये 6 उसमें से चले गए, 3 वेद रहे और 4 संज्वलन, कितने रहे? 7 रहे। अभी उसमें नौवे की क्या विशेषता है? नौवे गुणस्थान में बहुत प्रोसेस होते हैं। क्या क्या? उपशम श्रेणी में उसको उपशमित किया जाता है। उपशमित करने का अर्थ है उसका उदय में रुक जाना, अंतर्मुख के लिए उदय में नहीं आते तो जीव के वैसे परिणाम भी नहीं होते। और क्षपक श्रेणी ने वहां कर्मों का क्षय होता है, क्षय होता है सत्ता में से समूल नाश हो जाता है, तो वहां उसका क्षय ही नहीं तो उदय कैसा होगा। उपशम श्रेणी में क्या था? सत्ता में पड़े थे, दब गए थे, उदय में नहीं आ रहा था। दोनों का कार्य समान है, वहां पर भी वो एक एक कषाय का उदय मिटते गया और क्षपक श्रेणी में भी मिटता गया, पर क्षपक श्रेणी में क्या हुआ? फॉरएवर, कायम के लिए, क्योंकि वो तो अभी फिर दोबारा नीचे आने वाला नहीं। उपशम श्रेणी में क्या हुआ? उपशमाता उपशमाता चढ़ गया और फिर उसका उदय होते होते उतरेगा, समझ में आती बस। पर उदय रुकते रुकते गया है, तो नवे गुणस्थान में जब आ रहा है किसी एक वेद का उदय है और किसी एक कषाय का उदय है, एक जीव की अपेक्षा। पर किसी को त्रिवेद का उदय है, किसी को नपुंसक वेद का उदय है, किसी को, तो हम क्या कहेंगे? नाना जीवों की अपेक्षा 3 वेद का उदय है और संज्वलन 4 है पहले भाग में। उसके बाद क्या होता है? सबसे पहले में पहले इनमें से नपुंसक वेद का उपशम या क्षय किया जाता है, नपुंसक वेद चला जाएगा। तो अभी क्या रहा? 2 वेद रहेंगे और संज्वलन 4 रहेंगे। फिर उसके अंतर्मुख के बाद क्या होता है? पहले नपुंसक वेद चला गया, फिर स्त्री वेद चला गया, तो क्या रहेगा? एक पुरुष वेद रह गया और संज्वलन 4 है। उसके बाद क्या होता है? पुरुष वेद का भी उदय मिट जाता है, तो पुरुष वेद का उदय मिट गया तो अभी उस जीव को क्या कहेंगे? अवगत वेदी। अब तक क्या था? सवेदी था, वेद का उदय चल रहा था। कब से? पहले गुणस्थान से, कहां तक? नवे गुणस्थान के पहले बार। अब वो अवगत वेदी हुआ तो उस समय क्या? वेद तो नहीं रहा, अब उदय किसका रहा? संज्वलन। किसी को क्रोध, किसी को मान, किसी को माया, किसी को लोभ, और यहाँ बंध भी कितना हो रहा है? 4 संज्वलन। एक जीव को एक काल में एक कषाय का उदय है और बंध 4 का। अंतर्मुहूर्त के बाद क्या होता है? क्रोध का बंध भी और उदय भी मिट जाता है। अब इसी को 3 में से किसी का उदय हुआ, माया मान माया या लोभ, और बंध भी 3 का रहेगा। उसके बाद अंतर्मुहूर्त के बाद मान का उदय मिट जाएगा, अब बंध किसका हुआ? माया और लोभ का। फिर अंत में जाके क्या हुआ? और अंतर्मुहूर्त के बाद माया का भी उदय मिट गया, अभी अकेला लोभ रह जाएगा। पर ये नवे गुणस्थान में कैसा लोभ है? तो कहते बादर लोभ। बादर ने उसके सूक्ष्म नहीं हुआ, यानी उसका अनुभाग अभी अधिक है, अभी अनुभाग जो सूक्ष्म किया जाता है वो कार्य अभी नहीं हुआ, तो वो कार्य नवे गुणस्थान के लास्ट में हो जाता है। और दसवें गुणस्थान में जब जीव आता है तो आप सबने सुना है सूक्ष्म लोभ का उदय होता है, उसका अर्थ क्या है? जो नवे गुणस्थान में वो लोभ के जो अनुभाव जो था वो अत्यंत मंद, जो कि अनंत गुणा घटाया था, उसका उदय दसवें में जाके होता है। अभी यहाँ अकेला मोहनी का कौन सा रह गया? सूक्ष्म लोभ का उदय है दसवें में, तो दसवें के अंत में अंत तक है, उसके ऊपर नहीं रहा। ग्यारहवें गुणस्थान में सभी उपशमित हो गए हैं, उदय किसी का नहीं है, और बारहवें गुणस्थान में सभी का क्षय हो गया है, उदय किसी का नहीं। क्षय हो रहा था उसका अर्थ है कायम के लिए हुआ है। अब बारहवें गुणस्थान में अंतर्मुत रहेगा, ये हमारा प्रयोजन तो मोहनीय से,
ज्ञानावरणी का वगैरह कैसे क्षय होता है वो हमारा विषय नहीं है, क्योंकि बंध के हेतु ने किसको लिया है, मोहनी के उल्लेख को लिया। हमने जो मोह और योग के निमित्त से गुणस्थान की जो बात है, तो हमने योग को अलग से देखा हर एक गुणस्थान में और मोह को अलग से देखा। अभी हमको सभी प्रत्ययों की जब बात आती है तो हमको योग भी देखना है, मोहनी भी कौन कौन से उसको देखना है, अविरति भी कितनी कहाँ है वो भी देखना है। अविरति के लिए क्या देखना है, 12 प्रकार की अविरति कहाँ है, पहले में भी है, दूसरे में भी है, तीसरे में भी है, चौथे में भी। क्योंकि जब तक अप्रत्याख्यानावरण का उदय है तो पूरी 12 ही 12 अविरति है। पांचवें गुणस्थान में 11 अविरति है, एक विरति तरह से हिंसा का त्याग है उसको, बाकी का अभी है ही नहीं उसको। अभी छठे से लेकर क्या है, अविरति नहीं रही। पहले 4 गुणस्थान में क्या है, 12 प्रकार की अविरति है, पांचवें गुणस्थान में 11 अविरति है, एक नहीं है, यानी एक विरति जिसको विरता विरत कहेंगे। छठे से लेकर क्या कहेंगे, अविरति बिल्कुल नहीं है, यानी छठे के ऊपर क्या देखना है, ना मिथ्या तो है ना अविरति है, कहाँ देखना है कषाय और योग को देखना। तो हम वहां कषाय और योगों की टोटल करेंगे, क्योंकि अभी इसके आगे हमको क्या देखना है, प्रत्येक गुणस्थान में टोटल जो प्रत्यय है, उत्तर प्रत्यय, उत्तर प्रत्यय ने भेद, पहले हमने मूल प्रत्यय देखे कि मिथ्या तो नहीं कितने थे, मूल प्रत्यय याद है ना, कौन से मिथ्या, दूसरे गुणस्थान में कौन से मिथ्या हो गया, अविरति है, कषाय है, दूसरे गुणस्थान, तीसरे में तीन, चौथे में तीन, पांचवे में तीन, अविरति 11 है, पूरे अविरति मिटी नहीं है, अविरति में से 11 अविरति है वहां, 6 से 10। अभी छठे गुणस्थान में कौन कौन से दो, कषाय और दो, समझ में, हम मूल प्रत्यय की बात कर रहे हैं, तो छठे में भी, सातवें में भी, आठवें में भी, कब तक होगा, क्योंकि दसवें तक कषाय है, भले उषम श्रेणी वाला हो या क्षपक श्रेणी वाला है, तो दसवें तक क्या है, कषाय भी है, योग भी, कहाँ कितने योग हो तो हम लिस्ट हमने बनाई थी, हम अभी मूल प्रत्यय की बात कर रहे हैं। ग्यारहवें में क्या होगा, अकेला योग होगा, 12वें में, 13वें में, 14वें में, कुछ पूरा ये आश्रव का पूरा अभाव हो जाएगा, पूरा संवर हो जाएगा, संवर परिपूर्ण वहां पर हो जाएगा। संवर किसको कहेंगे, आश्रव के अभाव को कहेंगे, तो आश्रव का अभाव वाले कारण नहीं रहे। पहले हम क्या कहेंगे, कर्मों का आना रुक जाना, उन कर्मों का आना क्यों रुकेगा, क्योंकि उसके कारण रुकेंगे तो वो कार्य भी रुकेगा। तो यहाँ पुराने कर्मों के उदय को और जीव के भावों को आश्रव कहा है, और वहां कौन से गुणस्थान में मूल प्रत्यय, मूल आश्रव कौन से उसकी हमने चर्चा की। अभी हम बातें मिथ्यात्व के कितने भेद है हमने देखे थे, याद है ना, 5 भेद है, बताएंगे इसमें से, भयों में से, हाँ हाँ मैं, हाँ ये 5 प्रकार के मिथ्यात्व के भेद हमने देखे। फिर अविरति हमने कितने प्रकार की देखी, 5 है वो इंद्रिय और मन संबंधी, 6 वो 6 हो गया, और प्राणी हिंसा संबंधी वो 6 हो गया, तो 12 प्रकार की अविरति देखी। और कषाय हमने कितने देखे, 25 कषाय, और योग हमने 15 देखे। और कौन से गुणस्थान में कौन से हमने अलग अलग सेपरेटली देखी है। अभी हमको उत्तर प्रत्यय जब गुणस्थानों में देखते हैं तो इन सब में से मिथ्यात्व तो कितने हैं, वो क्या है, कितनी है अविरति, कितनी है, वो हमको सब देखना है। तो इस तरह से जब हम उत्तर प्रत्ययों को गुणस्थानों में गिना रहे, हमने चार्ट में भी देखा था, पढ़ा भी था, सुबह पढ़ना चालू किया था ना, तो उसमें पहले मिथ्यात्व में टोटल प्रत्यय कितने देखे आपकी बात चार्ट में, 55। तो 55 का अर्थ क्या है, टोटल कितने हैं, 57, यानी 2 नहीं है। तो आपको सोचना है 2 कौन से नहीं है, आहार भी नहीं है, आप देखो कितना जान रहे हैं ना, क्योंकि मिथ्या तो है, अविरति भी पूरे की पूरी है, मिथ्या दृष्टि है,
तो कषाय से भी भरपूर है, पूरे के पूरे है, कोई नहीं है, ऐसा कुछ है ही नहीं है। योग में जो आहारत और आहारत मिश्र जो मुनिराज के होते हैं, छठे गुण स्थान में होते हैं, वो यहाँ किसी के भी नहीं पाए जाएंगे, बाकी सब हो गए। तो टोटल उत्तर प्रत्यय मिथ्या तो गुण स्थान में कितने हैं? कितना आसान है? अभी दूसरे गुण स्थान में क्या होगा, इनमें से क्या नहीं होगा? मिथ्या तो के पांचों के पास वो नहीं है। पहले गुण स्थान ये सब नाना जीवन की अपेक्षा बात चल रही, एक युग की अपेक्षा बाद में गिनाएंगे हम। थोड़े थोड़े आगे चलेंगे, अभी जितना हमने पढ़ा है उतना समझ में आता है कि नहीं आता? हम आपको आंख बंद करके नहीं पूछेंगे, आप भले चार देख कर भी बता सकते हैं ना, ऐसा क्यों लिखा है यहाँ, पचपन यानी दो कौन से कम है, इतना तो सोच सकते हैं। तो फिर वो पचास पचास पचपन में से और पांच कम हो गए, यानी मिथ्या तो चला गया, तो मिथ्या तो चला गया तो पचपन में से पांच और चले गए, पहले दो ऑलरेडी हमने निकाल दिए थे, उसमें एन एडिशन पांच निकल गए, तो क्या टोटल सात नहीं रहे, पचास यहाँ रहे। ये कौन से गुणस्थान की बात है? दूसरे शासन गुणस्थान। अब तीसरे गुणस्थान की और विशेषता है, क्या विशेषता? यहाँ योगों में जरा हमको सोचना है, अनंतानुबंधी भी नहीं रहेगा यहाँ पर, और कितने यहाँ तो योग भी नहीं रहेंगे, तो क्या क्या नहीं रहेंगे? पहले जो हमने ऑलरेडी निकाले थे ना, दूसरे में संख्या कितनी थी? पचास, उसमें से और क्या माइनस करना है हमको? तीसरे गुणस्थान में अनंतानुबंधी चार, फिर कारमा कायो और वैग्रह है ना, ये कितने हो गए टोटल? तो कितने रही होते, 43 रही ना, नहीं समझा? फिर से पहले मिथ्या तो मैं पांच शासन में पांच निकल, पहले दो तो हमने नहीं लिए, वो दो प्लस पांच सात ऑलरेडी नहीं था, अभी वो पचास में से और क्या कम हुए? अनंतानुबंधी के चार, फिर कारमा कायो पांच हो गए, फिर और पचास में से और सात कम हो गए, अब कितने रह गए? 43। कौन से गुणस्थान की बात है? तीसरे गुणस्थान की बात, कौन से 43 पूछेंगे तो आपको गिनाना है। कौन से नहीं है वो गिनाए ना हमने, कौन सा है गिनाओ चेतन, अरे कौन सा है? तीसरे गुणस्थान में चार गए थे ना, 21 है, चार मनोयोग चार वचन योग और काय योग में से तीन छोड़ के चार तीसरे गुणस्थान के कितने देखे? 43। अब चौथे गुणस्थान में मरण भी होगा और मरण के साथ वो तो दूसरे भाव में चला जाएगा समित्र के साथ लेकर, तो कारमाण का योग में भी उसको तो बना रही चौथे गुणस्थान, तो उसके कारमाण का योग जो तीसरे में नहीं था वो यहाँ आ जाएगा, औदारिक मिश्र ही यहाँ और एक्स्ट्रा वैकृत मिश्र ही आए, तो तीसरे में जो नहीं थे वो यहाँ इंक्लूड कर दिया, तो कितना होगा? 46। यहाँ तो समझ में, तो तीसरे और चौथे में तो केवल ये योगों का अंतर है। अब चौथे के बाद पांचवे में क्या होता है? और चार कषाय चले जाओ, और पांचवे गुणस्थान में कारमाण होगा क्या नहीं होगा, औदारिक मिश्र होगा क्या नहीं होगा, वैकृत मिश्र होगा क्या नहीं होगा, वैकृत तो होगा कि नहीं, पांचवा गुणस्थान नहीं होगा वो भी नहीं होगा, ख्याल में है? तो क्या क्या होगा एकदम सही, किस पर आगे गाड़ी? तो कोई गिनाएंगे पांचवे गुणस्थान के? हाँ अपूर्व भाई गिनाओ, क्या है मिथ्या तो रहेगा? अविरति कितनी है? 11 अविरति, अभी कंटिन्यू पहला मिथ्या तो का है ना, दूसरी लाइन है अविरति, तो उसमें से 11
तीसरा कषाय कितने हैं? 17 आठ और नौ 17 हो गए। और योग कितने लिखे? 9 मनोयोग 4 वचन योग 4 और औदारिक पाय योग 9 टोटल कितने हुए? 37 हुए ना। अपना हिसाब बराबर आना चाहिए। 37 है तो 20 नहीं है। है की बात करो या नहीं की बात करो, दोनों ओर से हमको मालूम होना चाहिए कि क्या है और क्या नहीं है। मिथ्या तो नहीं है, एक तरह से हिंसा नहीं है। और कषाय में से जानवर नहीं है। और योग में से आरंभिक नहीं है, कारमान नहीं है, औदारिक मिश्र नहीं है, वैकृत मिश्र नहीं है, वैकृत भी नहीं है। तो दोनों ओर से हमने हिसाब पक्का कर दिया तो 37 है। ये समझ में नहीं आया तो पूछना, नहीं तो सबको फटाफट बोल रहे हैं हमको कुछ नहीं समझता, ऐसा नहीं चाहिए। आपका तबियत हुआ अच्छा है? बोलो कैसे हुआ? अविरति कितनी ली? 11 ली। 11 अभी आए ना 37। अभी छठे गुण स्थान में, छठे गुण स्थान में क्या है? देखो पहले में क्या मिथ्या तो था ही नहीं, छठे में अविरति कितनी रहेगी? कुछ नहीं रहेगी। तो दो कॉलम पे हट गए। अभी कहां कहां कषाय और योग इतना ही रखना है। तो कषाय में 4 संतुलन है और 9 4 13 है। और योग कितने रहेंगे? 11 देखो पांचवे में 9 थे और आहार भी और बढ़ेंगे, 11 हो गए ना। तो कितने हुए टोटल? 24 क्या क्या नहीं है कौन? ये नहीं अभी नहीं है, उसकी संख्या बढ़ गई। 5 मिथ्या तो नहीं, 12 अविरति भी, 3 दशा में 3 कषाय, 3 कषाय चौकड़ी, 12 नहीं है। और योग में क्या नहीं है? कारमा नहीं है, औदारिक मिश्र नहीं है, कितने हुए यहाँ है? वो 24 है। और नहीं है वो कितने हुए? अरे माइनस करो ना 57 नहीं है, 57 टोटल कर दी, उत्तर दिया है, फटफट माइनस कर दो उसमें से उत्तर आ गया। हम पूछेंगे आपको कौन से नहीं है। अब 7वें में 24 में से 22 कर दें, अब क्या दो कम हो गया? कितना असर है? आरक वो आरक मिश्र नहीं रहे, ये तो 7वें गुण स्थान की बात है। अब 8वें में क्या सेम है? कोई फर्क नहीं है क्योंकि 4 संतुलन है और फिर 9 कषाय है यहाँ पर। तो कितने हो? 4 और 9 13 तो ये होगा, और ये 13 और ये 9 कौन से 9? मन के 4, वचन के 4, औदारिक पाय। क्योंकि ये गुणस्थान किसके होगा? मनुष्यों के होगा, और यहाँ मिश्र मिश्र की कोई बात ही नहीं है। तो ये 22 हो गए। तो कितने नहीं है अब माइनस करके बताओ? 35 नहीं है, मिथ्या तो नहीं है, अविरति नहीं है, 12 कषाय नहीं है, इस तरह से हम कर जाए। और योग बाकी जो है अब 9वें गुण स्थान की बात जो हमने देखी थी कि सबसे पहले क्या है? पहले आते ही 3 वेद है, 4 कषाय है, और योग कितने हैं? 9 योग है। टोटल करना 16 हो गए ना। अब सब पहले आते ही 16 है, प्रत्यय ने यहाँ बनने के कारण कितने? 16 उत्तर प्रत्यय है। सबसे पहले में नपुसक वेद का उदय मिल गया, तो कितने रहेंगे? 16 में से नपुसक वेद बिना 15 रहेगा। दूसरा नंबर किसका होगा? स्त्री वेद, तो स्त्री वेद के बिना 14 रह जाएगा। फिर पुरुष वेद के बिना 13 रह जाएगी। संज्वल क्रोध का उदय मिटेगा 12 रहेगा, मान का उदय मिटेगा 11 रहेगी, माया का उदय मिटेगा 10 रहेगी। 9वें के अंत में कौन से 10 है? 9 योग है और 1 संयोजन योग है।
उसको बादल लोक कहते हैं। ये इसमें हमें गुणस्थानों का भी स्वरूप सही रूप से ख्याल मिला। अब यहाँ क्या विशेषता हुई, आठवें में तो सभी नौ नगर रह गए थे, अब यहाँ नौवे में भी तीनों वेद भी चले गए, क्रोध भी गया, मान भी गया, माया भी गया। अब ये जो लोक हुआ था उसको सूक्ष्म किया गया, उसका उदय दशरथ में चलेगा। तो दशरथ में क्या क्या है, लोग है और नौ योग है, वो अलग अलग जीवों के नाना जीवों की अपेक्षा बात चलती है। तो ये दसवें के अंत में अंत तक लोग है, उसके बाद ये लोग भी नहीं रहा, उसका भी उपशम हुआ या क्षय हुआ यथायुग। कोई ग्यारहवें में वो उपशमित थे और वो बारहवें वाले का वो क्षय हो चुका, तो वहाँ क्या बचा, मात्र योग रहा। तो ग्यारहवें में कहो या बारहवें में कहो, प्रत्यय कौन से, नव योग ख्याल में आई हमारे, और नौ योग के बाद तेरहवें की बात है। तो तेरहवें में कौन से रहेंगे, हमने मन के दो योग, वचन के दो योग, औदारिक है, औदारिक मिश्र और कारमान। ये औदारिक मिश्र और कारमान तो समुदाय द्वारा के लिखे हुए, किसी के भी होता है ना, तो यहाँ उसको गिनाएंगे। हर बार किसी को होगा ऐसा नहीं, कभी कभी किसी किसी को होगा, परंतु एक को भी होता है तो इसको यहाँ उस गुणस्थान में उसको गिनाना पड़ेगा। तो इस तरह से तेरहवें में तो सात है, क्या क्या नहीं है, अभी लंबी चौड़ी चीज के कितने नहीं है बोलो, कितने नहीं है, सात है ना, कितने नहीं है, पचास नहीं है, हाँ कौन गिनाएगा, एक को गिना, पांच मिथ्या तो नहीं है, अभिनति बारह, पच्चीस रहे, कितने रहे, सात बार, तो सात बिना के पचास है, वो यहाँ नहीं है, सात है, जो है उसकी बात उठाइए कि कहाँ कितने प्रत्यय किस स्थान में है उसकी हम चर्चा करें। तो चौदहवें में कितने हैं और कितने नहीं, शून्य है, अच्छा सत्तावन नहीं है, यानी पूरा आश्रम का अभाव कब हो गया, लगे चौदहवें स्थान में आश्रम ही नहीं रहे, बंधक हेतु ही नहीं रहे, तो यहाँ नया बंधन ही नहीं हो। अब जहाँ सत्ता में पड़े है, कोई अंदर पड़े, कोई उदय रूप है, जो कुछ व्यथा योगी जैसे जिसकी क्षपना होनी है, वो तो विषय क्षपना सरकार है, तो वो कर्म प्रकृतियों का वहां क्षय हो जाता है। नए आना तो पूरा रुक गया है, और फिर जो है वो चले जाएंगे, और फिर बिल्कुल कर्म रहित अवस्था हो जाएगी, जीव जो है अपनी पूर्ण शुद्ध अवस्था में विराजमान होगा, क्योंकि कर्म के कारण नहीं वो रुका था, अपने ही कारण रुका था, परंतु उसमें हम कारण की चर्चा में कर्मों के उदय को और जीव के भावों को यहाँ ले रहे, दोनों को मिला। इस तरह से हमने कौन से गुणस्थान में कितने उत्तर करते होते हैं उसकी चर्चा की है, कल थोड़ी झलक हम मार्गणाओं में भी चर्चा करेंगे, जो पुस्तक में नहीं लिखी है पर हम जिसकी चर्चा करने वाले हैं। बोलो चौबीसो भगवान की जय।